सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों झटका मशीन की हम जो बैटरी यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट 7 एच ऐसा लिखा होता है और 12 वोल्ट 12 एच ऐसा लिखा होता है और 12 वोल्ट 26 एम्पियर ऐसा भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। और झटका मशीन में कितना एम्पियर सेट करने से हमको कितना बैकअप मिलेगा वो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो पहले हमको क्या करना है कि बैटरी की थोड़ा जूम कर देता हूँ, बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर में लिखनी है। तो हमको देखना है 7 एम्पियर की, तो 7 एम्पियर यहाँ पे लिखना है, 7 एम्पियर की बैटरी है इसलिए 7 एम्पियर बैटरी। और हम लोड कितना ले रहे हैं इससे, तो अगर 7 एम्पियर ले रहे हैं, ठीक है, तो 7 मतलब एक घंटा ये बैटरी चलेगी, ठीक है। और दूसरा कि बैटरी 7 एम्पियर है, 7 एम्पियर की बैटरी है और हम इससे लोड ले रहे हैं आधा मतलब 3.5, ठीक है। तो इसको इससे भागना है, ठीक है। तो ये बैटरी चलेगी 2 आवर्स। अगर और एक बार इसको भागते हैं, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे 3.5 का आधा करके हम लेते हैं एम्पियर, तो ये बैटरी 4 आवर्स चलेगी। कोई भी बैटरी हो इसको ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट 12 एच। अगर हम देखते हैं तो 12 वोल्ट 12 एच, तो इसको क्या करना है, टोटल बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, तो 12 एच की कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर हम इससे 12 एम्पियर अगर लेते हैं तो ये बैटरी 1 घंटा चलेगी। अगर 6 एम्पियर अगर हम लेते हैं तो ये बैटरी 2 घंटा चलेगी। और अगर हम 3 एम्पियर इससे लोड ले रहे हैं तो ये बैटरी 4 घंटा चलेगी, ठीक है। तो ऐसे झटका मशीन में हम एम्पियर सेट करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही सेट करना है ताकि आपको पता चले कि हम लोड कितना ले रहे हैं और ये बैटरी कितनी देर तक और कितने घंटे तक चलेगी, ठीक है। तो झटका मशीन में एम्पियर कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो हमारा झटका मशीन कितना एम्पियर लोड ले रहा है वो हमको चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर ऐसा चाहिए और इसको हमें एम्पियर में रख देना है, ठीक है। और ये जो लाल वाला टर्मिनल है उसको निकाल के हमें ऊपर डाल देना है, ठीक है। ऐसे करके बैटरी का जो 2 टर्मिनल होता है उसमें से एक को लगा के रखना है और एक को ऐसे खुला रखना है और इसका जो वायर है उसको झटका मशीन से हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बाद में क्या करना है, जो 1-2 टर्मिनल जो होते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं मीटर, ठीक है, और स्विच को चालू करके रखना है, ठीक है। और बाद में ये जो 2 टर्मिनल है उसको एक को हमें यहाँ पे केबल के साथ लगा देना है और जो दूसरा है उसको हमें बैटरी के साथ लगा देना, ठीक है। तो हमारा जो झटका मशीन है कितना लोड एम्पियर खा रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाना घटाना वो सब आपके ऊपर है, लेकिन हमारा झटका मशीन है वो 0.6569 तक एम्पियर लोड ले रहा है। तो इसके हिसाब से हम अगर इसमें 12-26 की बैटरी अगर रखते हैं, ठीक है, 12-26 की बैटरी अगर हम रखते हैं तो ये झटका मशीन कितने देर तक और कितने घंटे तक बिना चार्जिंग किए चल सकता है उसके बारे में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हमको लिखना है टोटल लोड, लोड इसका जो बैटरी है वो कितने एम्पियर की है वो लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 26 एच, ठीक है।
26 AH लिख के हम जितना लोड इस बैटरी से ले रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इससे 0.69 एम्पियर, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर लेके इसको डिवाइड कर देना है, 26 डिवाइड बाय 0.69 से। तो आप देख सकते हैं ये 37 घंटे तक लगातार लगातार 37 घंटे तक ये बैटरी चलती रहेगी, ठीक है। इसमें से 2-3 घंटे इधर उधर आपको रख देने हैं, मतलब 37 घंटे ही चलेगी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका वोल्टेज जब बहुत कम हो जाता है तो वो एम्पियर देना छोड़ देती है और झटका मशीन भी बंद हो जाती है। इसलिए आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कितना लोड झटका मशीन लेते हैं उसके बारे में भी आपने जाना, और कितने घंटे तक ये बैटरी चलेगी उसके बारे में भी आपने जाना, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट रह गया हो कि एम्पियर कैसे मेजर करें और कितने घंटे तक बैटरी चलती है उसके बारे में कुछ भी अगर आपको रह गया हो डाउट, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।